नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ज्ञानव्यापी में सर्वे का काम पूरा होने के बाद देश भर में खुशी की लहर नजर आ रही है। ऐसा एक नजारा आगरा का, जहां हिंदू समाज के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि सर्वे के बाद ये दावा किया जा रहा है कि ज्ञानव्यापी के बुजुर्ग खाने के पास शिवलिंग मिला है, जिसके बाद से ही आगरा के हिंदू समाज के लोग खुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वहां के लोगों द्वारा रावली मंदिर के बाहर ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर डांस हुआ और मिठाइयां बांटी गई हैं। मिष्ठान वितरण करने का सीधा सा कारण है, जो सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी में चल रहा था, उसके अंदर 12 फीट 8 इंच लंबी शिवलिंग की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये सनातन की बहुत बड़ी जीत है और ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि जो हिंदूवादी, हिंदू महासभा और हिंदू जो वकील हैं, वो दावा कर रहे हैं कि ये हिंदुओं की हैं, जबरदस्ती मुगल आक्रांता उन लुटेरों ने तोड़ करके मस्जिदें बनाई, तो ये हमारा दावा सत्य साबित हो रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है और इस निर्णय को आने में ये बहुत बड़ा काम करेगी, मील का पत्थर साबित होने वाली है। इसी खुशी में हर हिंदूवादी आज मिष्ठान वितरण करके अपना जश्न मना रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार दावा ठोकता आ रहा है, जितनी भी पुरानी जो विरासत है, जिनको मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ दी गई, ध्वस्त कर दी गई और उसके ऊपर मस्जिद और मकबरा जैसी चीजों को चिन्हित कर दिया गया। यहाँ पर हिंदू महासभा लगातार बाबरी मस्जिद से लेकर तेजो महले तक की लड़ाई लड़ रहा है और जिस तरीके से काशी के अंदर ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके अंदर भगवान भोलेनाथ की पिंडी निकली है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मुगल आक्रांताओं द्वारा यहाँ तोड़ी गई है। और लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग यह भी मांग करते हैं कि तेजो महले को भी तोड़ा जाए और तेजो महले तोड़ कर उसके अंदर जो मकबरा है उसके अंदर आप कब्र खुदवाइए। अगर शिव निकलेंगे तो वह हमारे हैं और सब निकलेंगे तो वह तुम्हारे हैं। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र के बेटी गांव में अवैध रूप से मिट्टी खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत एक जेसीबी को प्रशासनिक अधिकारी ने पकड़कर कोतवाली में खड़ा कर लिया। अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ अधिकारी अब कार्रवाई में जुट गए हैं। खबरों की माने तो बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मिट्टी का खनन होता है। इसकी जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो मामले में कार्रवाई की गई है। वही इस मामले पर उप जिलाधिकारी सदर दीक्षा जैन ने बताया कि खनन की सूचना मिलने पर राजस्व टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद राजस्व टीम ने आबदार तहसील सुरभिराय के नेतृत्व में 52 ब्लॉक के ग्राम बेहटी के पास कार्रवाई करते हुए 4 और एक जेसीबी मौके पर पकड़े, जिन्हें पुलिस के सुपुर्द में दिया गया है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय कानून को और लेखपाल शामिल रहे, जिसके उपरांत मेरे द्वारा टीम गठित की गई। टीम ने नायब तहसीलदार सुरभि राय के नेतृत्व में वहां पर एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर में ट्रॉली बरामद की। इसमें साथ में क्षेत्रीय कानून को लेखपाल और अन्य लेखपाल भी थे। बरामद होने के बाद सबको पुलिस के सुपुर्दगी में दे दिया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस का भी अच्छा सहयोग रहा है और साथ ही जो सतर्क नागरिक है, जो हमें सूचना देते हैं, उनका भी अच्छा सहयोग रहा है। ललितपुर में इन दिनों अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा। आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे एक मामला सामने आया अचलो नाम के एक गांव में, जहां बस में सवार करने वाली महिलाओं के साथ बस में सवार कर रहे 3 शराबी युवकों ने छेड़छाड़ और बर्ता जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद महिलाओं ने बस में ही 3 शराबियों को चप्पलों के साथ जोरदार पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, ये सब देखते हुए बस के बाकी सवारियों ने भी शराबी युवकों की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अवैध शराब के खिलाफ एक बार फिर से ललितपुर पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डेरा चीरा से 450 लीटर अवैध शराब बरामद कर मौके से 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। यही नहीं, पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने लगभग 4000 लीटर लहन नष्ट कर दिया है। तो वहीं पकड़े गए 4 महिलाओं पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ललितपुर जनपद में गांव-गांव अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर के निर्देशन में आज दिनांक 16/5/22 को SHO कोतवाली मय फोर्स, आबकारी इंस्पेक्टर मय फोर्स, महिला एसओ संयुक्त टीम के साथ ग्राम चीरा कबूतरा डेरा पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान 450 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। मौके से 4 अभियुक्ता गिरफ्तार की गई, 4000 लीटर लहन नष्ट किया गया और कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।
ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुर्खियों में है। इस मामले पर हर कोई अपने विचार दे रहा है। इसी बीच AIMIM के नेता आसिम वाकर ने बयान देते हुए कहा कि जब ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट अभी कोर्ट में जमा ही नहीं की गई तो किसी ने अभी वो वीडियो देखा ही नहीं, तो बिना वीडियो देखे कैसे मान लिया गया कि प्रार्थना पत्र देने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है। सवाल यह है कि रिपोर्ट तो कल सबमिट करना है, जो वीडियोग्राफी हुई, जो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी कोर्ट में, न्यायालय में सबमिट नहीं की गई। ना वीडियो सबमिट किया गया, ना रिपोर्ट सबमिट की गई, वो बन रही है अभी। कल सबमिट होगी नहीं होगी ये भी नहीं पता। तो जब रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई, माननीय न्यायालय के सामने वो रिपोर्ट आई नहीं, वो वीडियो आई नहीं, वो देखा नहीं गया कि क्या सर्वे हुआ क्या नहीं हुआ, तो किसी व्यक्ति विशेष के किसी प्रार्थना पद पर यह मान कैसे लिया गया? अगर किसी प्रार्थना पद पर किसी व्यक्ति के माना जाना था तो सर्वे की क्या जरूरत थी? फिर ऐसे ही प्रार्थना पद देकर उसको जारी कर दिया जाता। सवाल मेरा समझिए कि सर्वे अभी जमा नहीं हुआ कोर्ट में, अभी सर्वे रिपोर्ट जमा नहीं हुई, वीडियोग्राफी जो हुई है वो जमा नहीं हुई, उस कल जमा होगी और फैसला आ जा गया। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ओवैसी तर्कों से कतराते हैं और सच से मुंह छुपाते हैं। बता दें कि संजय चौधरी ने ज्ञानव्यापी विषय पर बात करते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग मिलना यह दर्शाता है कि वो हिंदू मान्यताओं के अनुरूप है। उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और अब ओवैसी को बरगलाने की बजाय सच का सामना कर लेना चाहिए। ओवैसी साहब तर्कों से कतराते हैं और सच से मुंह छुपाते हैं, इसीलिए वो केवल और केवल मुसलमानों को बरगलाते हैं। आपने देखा होगा कि बोलते समय अक्सर ओबीसी साहब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो आंखें इसीलिए बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सामने दिखने वाला सच्चा जो सच है वो न दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से ज्ञानव्यापी के परिसर में शिवलिंग मिला है और शिवलिंग उस जगह पर मिलना ये बताता है कि ज्ञानव्यापी की सच्चाई है कि वो धर्मस्थल हिंदू मान्यताओं के अनुरूप है, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। मुझे लगता है कि अब बरगलाने के बजाय उन्हें सच का सामना जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि कुछ दिनों पहले जंगल ग्राम दत्तौली मुगल में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए कई दिनों से नाक में दमकर बिजली की तारों को काटकर चोरी कर ले जाने वाले गैंग के 5 सदस्यों को सहारनपुर की थाना फतेहपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये लोग ठेकेदारों से साठ काट करके पहले बिजली की सप्लाई कटवा दिया करके बाद में बिजली की लाइन की तार की चोरी कर उसे एक कबाड़ी को बेच दिया करते थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और मौके पर पहुंचकर 1,80,000 की नगदी, 300 मीटर तार, तार काटने के उपकरण सहित मैक्स पिकअप गाड़ी और अवैध असलाह बरामद किया। क्राइम ब्रांच सहारनपुर और थाना फतेहपुर पुलिस ने मिलकर एक बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। यहाँ इनको इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 1,80,000 रुपये कैश, 300 मीटर बिजली का तार, तार काटने वाले उपकरण, एक मैक्स पिकअप गाड़ी, 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। देखिए ये जो ठेकेदार होते हैं उनसे मिली भगत करके पहले लाइन में करंट उसको रुकवा देते थे और फिर इन उपकरणों का यूज़ करके बिजली के तार काटते थे और इनको कबाड़ियों को बेच के या इसको मेल्ट करा के अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते हैं। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर कलियुगी बहू ने सास और ननद के साथ जमकर मारपीट की। ननद और बुजुर्ग सास के गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में बहू ननद को पीटती हुई नजर आ रही है। शिकायत के बावजूद भी थाना अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की। ससुर की मौत के बाद बहू आए दिन ननद और सास के साथ मारपिटाई करती रहती है। पहले तो उस दिन हम आए
उस दिन तो पुलिस वाले आ गई, 3-4 तो लेडीज थी और 15 के करीब वो पुलिस वाले थे और खूब मतलब वो लेकर आए थे। और उसके बाद में कह रहे थे कि चलो हमारे साथ चलो, वहाँ वो बैठे हैं जन किस किस का नाम ले रहे, अब तो मुझे ध्यान नहीं है। आज क्या घटना हुआ? आज घटना ये हुई थी, मैं फ्रिज में पानी लेने जा रही थी, मैंने पानी पी लूँ, मैं दवा खाऊंगी, तो कह रही ए मैंने कहा पानी को मना किया, पानी ले लो पहले पैसे, बोली मुझसे ए मैं पानी लेने चली सोई मतलब मुझे पकड़ लिया। ये हुआ है 2 साल से केस चल रहा है, पापा को जून में 2 साल हो जाएंगे एक्सपायर हुए, 2 साल मतलब ये क्या करते हैं हमारी भाभी जो है जब भी कुछ होता है तो अपने मायके वालों को बुला लेती हैं, मतलब और उनके मायके वाले एक दो नहीं आते हैं, इनका भाई अजय सबसे ज़्यादा वो हमारे साथ बदतमीजी करता है, अजय जो नाम है उसका, और प्रशांत अंडौली में रहती है, ये अंडौली हसैन की रहने वाली है, जब भी कुछ होता है अपने तुरंत मायके वालों को बुला लेती है, उनके साथ हमारे साथ मारपीट करवाती है, हमारे घर से बाहर निकलवा दिया, हम पुलिस के पास गए, पुलिस में हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब खबर रोहिया से, जहां अचलदा थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में दर्ज मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट के आदेश पर 29 असलों को कटर की मदद से नष्ट करते हुए बड़ी कार्रवाई की। लंबे समय से आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामलों के अंतर्गत इन असलों को सुरक्षित तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा रखा गया था, मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद इनको नष्ट कर दिया गया। ये तस्वीरें हैं अचलदा थाना परिसर की, जहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा 29 असलों को नष्ट किया गया है। आर्म्स एक्ट से रिलेटेड 29 असलहों को न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर जिन मामलों में मुकदमों में निर्णय हो चुका था, कमेटी का गठन कर कमेटी के सामने टोटल 29 असलहों को नष्ट किया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप थानों में माल निस्तारण की कार्रवाई तेज करने के लक्ष्य के क्रम में पूरे जनपद औरैया में अन्य थानों पर भी इस कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। विधिक अनुमति प्राप्त करके अन्य मामलों जैसे शराब के जो मामले हैं जिनमें उनकी मुकदमों का निस्तारण हो चुका है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने की खबर से देश के सभी शिव अनुयायियों के लिए खुशखबरी सच्चाई सामने आ गई है। और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आए हैं कि हमारे लिए भी खुशी की बात है और देश के लिए भी खुशी की बात है, हम मामले में अदालत के आदेशों का स्वागत और पालन करेंगे। मुरादाबाद में एक युवती रात भर बारात का इंतजार करती रही और दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। उधर पुलिस ने भी पीड़िता की एक ना सुनी और शिकायत के बाद भी पुलिस ने युवती के परिवार को थाने से कहकर टरका दिया कि पुलिस युवती के घर पहुंच रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ना तो युवती के घर पहुंची ना ही पुलिस के द्वारा पीड़िता की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई। आपको बता दें कि पीड़िता को शादी का झांसा देकर दूल्हा बना उसका प्रेमी कई वर्षों से युवती का शोषण कर रहा था और जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो शादी के लिए मजबूर हुआ और शादी के लिए रविवार का दिन तय हुआ। रविवार को दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रही लेकिन दूल्हा बना प्रेमी बारात लेकर ही नहीं पहुंचा और गायब हो गया। मुझसे लड़का प्यार करता था, शादी का लालच देख के उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और यौन शोषण किया और अब शादी का लालच देख के मेरी शादी इतवार के दिन थी, बारात भी नहीं आई, लड़का भी गायब कर दिया और कोई बारात लेके नहीं आया, पुलिस थाने भी गई, रिपोर्ट भी कराई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं अपनी जान दे दूंगी। लड़का जो था हमारे भांजा था, क्या नाम फैजी, फैजी था इंतजाम अली का लड़का, वो हमारे घर पे आना जाना था, उसका जो था लड़की को बेला फसला कर उसके साथ उसने गलत नजायज संबंध करे, उससे जो था मतलब कुछ मतलब अब रह गया, फिर उसको शादी का झांसा दे कर तो उसको जो है बुलाते गिरा गोली बुलाई, मैं तो उससे शादी करूँगा। मुरादाबाद के मुढ़ापांडा थाना क्षेत्र के लखनऊ एनएच 24 गणेश घाट चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर के जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी, गौ तस्कर अभियुक्त गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल गौ तस्कर अभियुक्त को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घाट चौराहा कहलाता है, पीछे
उसका ही जंगल है ये। और यहाँ एक पुलिस से मुठभेड़ हुई है, एक व्यक्ति जो सामने से सेंटो गाड़ी से आ रहा था तो उसे रोका गया, तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया है और इस दौरान पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई। मौके पर व्यक्ति इंजर्ड हुआ, उसे जब पूछा गया तो उसने अपना नाम नाजिम निवासी करूला कटघर बताया। इसके बारे में अन्य जानकारी की गई तो ये एक प्रोफेशनल अपराधी है, इससे पहले भी इस पर कई केस NDPS 302 इत्यादि में, इसके अलावा ये गोकशी के अपने धंधे में भी लिप्त रहा है, इसके बारे में पूर्व से भी सूचना मिलती रही हम लोगों को। तो हमारी टीम ने इसको पकड़ा है, इसके पास एक सेंट्रो गाड़ी थी जिसमें सवार थे ये। मुठभेड़ के दौरान जब इनको रोका गया है तो गाड़ी इनकी यहीं पलट गई, एक तरफ देखा गया तो गाड़ी में मांस है, जो संभवतः प्रथम दृष्टि देखने से ऐसा लगता है कि गौमांस है शायद वो। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।